चलिए अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अपन यहाँ पे बनाते हैं प्रेजेंट सैलरी लिस्ट। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय के नाम, मोबाइल नंबर और बेसिक सैलरी। इसके बाद अपन यहाँ पे पर डे के हिसाब से प्रेजेंट लगाते हैं। अपन पहले इस पूरे को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इतने कॉलम है अभी आपके पास, आप यहाँ पे पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, फिर अपन यहाँ पे कॉलम बनाते हैं एसटीए, नेट सैलरी और टोटल प्रेजेंट। अब आप यहाँ पे पर डे के हिसाब से प्रेजेंट लाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप आगे ट्रैक कर देंगे। तो यहाँ पे मंथ में जितने दिन होते हैं, 30 दिन है 30 तक, 31 है 31 तक, आप ट्रैक कर देंगे। फिर आप यहाँ पे पर डे के हिसाब से एम्प्लॉय की प्रेजेंट लाएंगे। अगर एम्प्लॉय आए हैं प्रेजेंट है तो वहां पे अपन 1 लिखते हैं। लीव ली है तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? एल, क्योंकि लीव लेने पे 1 दिन की सैलरी माइनस हो रही है। एबसेंट है तब आप लिखेंगे -1। अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हैं वहां पे ऐसा रूल है, 1 दिन एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस होती है, तब आप लिखेंगे -1। 3 दिन की हो रही है तो -2, जितने दिन की सैलरी माइनस हो रही है एबसेंट होने पर। अभी अपन 1 लिख के इसे ड्रैग कर देते हैं। लेकिन जब आप कहीं पे वर्क करते हैं वहां पे आप पर डे के हिसाब से प्रेजेंट लगाते हैं। अब जैसे मानो आपके फर्स्ट अजय नाम के एम्प्लॉय ने 7 तारीख से लीव ली थी, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं? एल, जिस दिन जिस एम्प्लॉय ने लीव ली है वहाँ पे आप क्या टाइप करेंगे? एल। अगर एबसेंट है तो फिर क्या लिखेंगे? -1, क्योंकि एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, तो अपन वहाँ क्या लिख देंगे? -1। इस टाइप से आप यहाँ पे पर डे के हिसाब से फिर करते जाएंगे। फिर अपन को निकालना है यहाँ पे टोटल प्रेजेंट। इसके लिए आप इसको लगाते हैं SUM, सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन। अब आप इसमें पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे, 1 से लेके 31 तक सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो टोटल प्रेजेंट आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ट्रैक कर देना, टोटल प्रेजेंट निकल आएगा। अगर अभी आप देखेंगे 2 तारीख को 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने दिन आ रहा है? 30 दिन। 30 दिन प्रेजेंट है, इन्होंने 1 दिन लीव ली थी, यहाँ पे अपन ने लिखा था 7 तारीख। अगर ये एबसेंट है 2 तारीख को, तो अपन यहाँ के लिख देंगे -1। देखिए सम हो जाए यहाँ पे 2 दिन। इस टाइप से आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो एम्प्लॉय एबसेंट है तो वहाँ आप लिख देंगे -1, लीव ली है तो फिर एल। इस टाइप से आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इतना निकालने के अब आपको निकालना है यहाँ पे नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या है? जो आप लीव एब्सेंट माइनस करने के बाद एम्प्लॉय को देंगे। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, डिवाइड करेंगे मंथ के डे और मल्टीप्लाई टोटल प्रेजेंट। डिवाइड करेंगे मंथ के डे, मंथ में जितने दिन होते हैं, 31 तो 31, 30 है तो 30 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेजेंट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी निकल आएगी। इस पे क्लिक करके आप इसे ट्रैक कर देंगे। ये क्या आ गई अपनी नेट सैलरी। कौन सी नेट सैलरी है आपकी? लीव एब्सेंट माइनस करने के बाद। ठीक है, अब अगर आप लीव एब्सेंट माइनस करने के बाद एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो आप कौन सी सैलरी देंगे? ये वाली नेट सैलरी देंगे। अब आप देख रहे हैं इनकी बेसिक सैलरी थी 5,000, नेट सैलरी है इनकी ये। अब आपको यहाँ पे निकालना है एसडीए, सैलरी डिडक्शन अमाउंट, कितना अमाउंट माइनस हो रहा है। देखिए अभी अपन निकाल रहे हैं सिर्फ लीव और एब्सेंट के हिसाब से, लेट नेट से अभी अपन ने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। इक्वल लाएंगे बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, माइनस कर देंगे नेट सैलरी, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एसडीए का अमाउंट आ जाएगा। निकाल लेंगे इतना। ये अपन ने कौन सा निकाला है? सिर्फ लीव एब्सेंट माइनस करने के बाद, लेकिन अपन तो लेट नेट भी माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे? एसडीए अपन फिर अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपन लेट नेट भी माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें ज़्यादा अमाउंट माइनस होगा। तो एसडीए में फिर आप अभी वाला फॉर्मूला नहीं लाएंगे, अभी अपन इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इतना बना लेंगे आप। फिर अपन यहाँ पे दूसरी सीट बनाते हैं। ये सीट हम आपको पूरी बता देते हैं। अपन प्लस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसमें आप निकाल रहे हैं प्रेजेंट। अपन पर डे के हिसाब से प्रेजेंट लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ला रहे हैं पर डे के हिसाब से प्रेजेंट। ऐसा ही अपन को पर डे के हिसाब से उनके लेट नाइट भी फिल करना है। जैसे आपने लिखा 1 तारीख को एम्प्लॉय आया था, आपने लिख दिया 1। अब 2 तारीख से, मतलब जैसे 1 तारीख को आए थे तो आपने 1 लिखा। अब 1 तारीख से 5 मिनट लेट आए, वो तो अभी अपन ने लिखा ही नहीं।
अपन तो पर डे के हिसाब से उसमें फिल करना है। तब आप यहाँ पे ये वाली सीट बनाते हैं प्रेजेंट सैलरी लिस्ट, क्लियर है इतना। अब अपन यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू सीट आ जाएगी। अब आप तो सेम वही डेटा इस वाले सीट पे लेके आना है, तो आप यहाँ पे एक्चुअल लगाते हैं, पुराने वाली सीट पे जाएंगे, सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, वो डेटा आपका इस वाली सीट पे आ जाए। अब आपने चेक किया सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, डॉट पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, इसे ड्रैग कर देंगे, देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया। अपन इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और इसे आगे ड्रैग कर देंगे, देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लिए थे, आपको सीरियल नंबर टाइप नहीं करना था, आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया था। अब आप इसे ड्रैग करेंगे इस, तो ये आप आगे ड्रैग कर देंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन कॉलम बनाएंगे टोटल लेट मिनट, ठीक है। अब आप यहाँ पे पर डे के हिसाब से लेट मिनट फिल करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ आप लिखेंगे सेकंड कॉलम में 2, इन दोनों से सिलेक्ट करके डॉट पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, आगे आप ड्रैग कर देंगे, 31 देने मंथ में, अपन इसे 31 तक ड्रैग कर लेंगे, इस टाइप से यहाँ पे ये टाइप हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे पर डे के हिसाब से इनके लेट मिनट फिल करेंगे, जैसे 2 मिनट लेट आए, 3 मिनट लेट आए, इस टाइप से आप यहाँ पे इसमें फिल कर देंगे, जो एम्प्लॉय जितने मिनट लेट है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अभी अपन इसको ही सिलेक्ट करके आगे ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जब आप टाइम पे वर्क करते हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, पर डे के हिसाब से फिल करेंगे। अभी तो अपन ने यहाँ पे इस टाइप से ट्रैक कर दिया, लेकिन अब जैसे जब आप कहीं वर्क करते हैं वहाँ पे आप पर डे के हिसाब से फिल करते हैं। जैसे मानो आपके ये वाले एम्प्लॉय 2 तारीख को 8 मिनट लेट आए, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 8। अगर ये 5 मिनट लेट आए तो आप लिख देंगे 5। 10 मिनट लेट आए तो फिर 10, क्लियर है इतना, कर लेंगे इतना। अब अपन इसको सिलेक्ट करते हैं कॉलम को, शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की से पूरे कॉलम अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपन को एक साथ सब कॉलम का साइज छोटा करना है, अपन यहाँ पे पूरे कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप किसी भी एक कॉलम का साइज छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सब कॉलम का साइज छोटा हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब आपको यहाँ पे निकालना है टोटल लेट मिनट, इक्वल लाएंगे एस यू एम सम शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन। अब आप इसमें पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, यहाँ पे टोटल लेट नेट आ जाएंगे, डॉट पे जाके आप इसे यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल लेट नेट आ जाएंगे, क्लियर है इतना। इतने में कोई डाउट है, कर लेंगे आप लोग। इस टाइप से आपने यहाँ पे लेट नेट फिल कर दी। अब आप इसमें पूरे मंथ में एम्प्लॉय इतने मिनट लेट हैं, अब आपको सैलरी माइनस करना है, उसके लिए आपको पर मिनट की सैलरी पता होनी चाहिए। अभी अपन को पर मिनट की सैलरी नहीं पता, अभी अपन ने निकाली नहीं, अपन इसे आगे स्क्रॉल करते हैं, अपन यहाँ पे निकालेंगे पर मिनट की सैलरी। लेकिन पर मिनट की सैलरी के लिए पहले आपको पर आवर की सैलरी पता होनी चाहिए, और पर आवर के लिए पर डे की सैलरी, उसके बाद वर्क आवर। पहले अपन यहाँ लिखेंगे पर डे की सैलरी, ठीक है, फिर आप यहाँ लिखेंगे वर्क आवर। पर आवर की सैलरी निकालने के लिए पर डे की सैलरी के साथ आपको एम्प्लॉय के वर्क आवर भी पता होना चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं। अब अपन यहाँ निकाल रहे हैं पर डे सैलरी, इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, और आप डिवाइड कर देंगे मंथ के डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर डे की सैलरी आ जाएगी, क्लियर है इतना। अपन इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर देते हैं, ये आप यहाँ पे निकालेंगे। डेसिमल की बात की वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डेसिमल की बात की वैल्यू हटा देंगे। अब अपन यहाँ पे फिल करेंगे वर्थ आवर, कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं,